90 के दशक की खूबसूरत ग्लैमरस और बोल्ड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी आज तक अपने फैंस को याद है। अपने वक्त में ममता ने बोल्ड फोटोशूट से लेकर फिल्मों में बोल्ड सीन करके तहलका मचा दिया था। आज ममता भले ही फिल्मों से दूर हो, लेकिन आज भी लोग उनकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, खासकर ममता और अंडरवर्ल्ड के साथ, जिसके दम पे ममता बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को धमकाने लगी कि ममता को फिल्मों में रोल देना जरूरी है। एक वक्त ऐसा आ गया कि फिल्म मेकर्स के लिए ममता को फिल्मों में काम देना मजबूरी बन गया था, क्योंकि ममता को नाराज करके कोई भी अंडरवर्ल्ड से दुश्मनी लेना नहीं चाहता था। कहते हैं कि ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से लेकर छोटा राजन तक ममता के दीवाने थे। दरअसल ममता कुलकर्णी बॉलीवुड पर राज करना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने अंडरवर्ल्ड का सहारा लिया। आज हम आपको ममता कुलकर्णी की कुछ ऐसे पर्सनल लाइफ की असलियत से रूबरू कराएंगे, जिसे जानने के बाद आपको लगेगा कि आप किसी सिनेमा हॉल में कोई फिल्म देख रहे हो। नमस्कार, आरआर सिनेप्लेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नब्बे के दशक की मशहूर हीरोइन ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई के एक मराठी परिवार में हुआ था। बचपन से ही ममता हीरोइन बनने का सपना देखने लगी। हीरोइन बनने के लिए ममता को बोल्डनेस दिखाने से भी कोई परहेज नहीं था, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ एक कामयाब हीरोइन बनना था। बोलो, क्या उतारू, कंगन या फिर ये? अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत में ही ममता ने एक ऐसा काम किया जिसके बाद इंडस्ट्री में हंगामा मच गया। साल 1992 में फिल्म तिरंगा से बॉलीवुड में करियर की शुरुआत करने वाली ममता ने साल 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन के लिए एक टॉपलेस फोटोशूट कराया और यहीं से वो रातों रात तहलका मचाने वाली हीरोइन बन गई, क्योंकि जिस तरह से ममता ने बोल्डनेस दिखाई थी उसे करने के लिए बड़ी से बड़ी हीरोइन भी कतराती थी। ममता का यही अंदाज हर कहीं सुर्खियां बटोरने लगा और ममता खुद यही चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि इसके बाद उनकी हर कहीं चर्चा होने लगे और उनका सोचा हुआ हुआ भी। ममता की टॉपलेस फोटो मैगजीन के कवर पे छपी और ये मैगजीन उस वक्त सबसे ज्यादा ब्लैक में बिकने लगी। हालांकि बाद में 15,000 का उन पर जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन इससे ममता को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ममता ने बाजी, नसीब, करण अर्जुन और आशिक आवारा जैसी फिल्में की और इस तरह वो शाहरुख, सलमान, आमिर और अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करने लगी। हालांकि साल 1991 में ममता ने करियर की शुरुआत में एक तमिल फिल्म भी की जिसका नाम था ननबरगल। लेकिन ममता की एक और चीज लोगों को चौंकाने वाली थी और वो था उन पर अंडरवर्ल्ड का हाथ होना। छोटा राजन से था अफेयर। जब ममता बॉलीवुड में काम कर रही थी उसी वक्त उनका अफेयर अंडरवर्ल्ड के डॉन छोटा राजन से चलने लग गया। डॉन को हुस्न का शौक था और ममता को बड़ी हीरोइन बनने की चाहत, लिहाजा ममता कुलकर्णी ने छोटा राजन का हाथ थाम लिया और चल पड़ी। उस वक्त के हर अखबार में छोटा राजन और ममता कुलकर्णी के अफेयर के किस्से छपने लग गए थे। खुद बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज का कहना था कि ममता को अंडरवर्ल्ड की वजह से फिल्में मिल रही हैं। फिल्म चाइना गेट इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण थी। दरअसल डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने ममता को फिल्म चाइना गेट में बतौर लीड एक्ट्रेस लिया, लेकिन शुरुआती अनबन के बाद राजकुमार संतोषी ममता को फिल्म से बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन इसके बाद ममता ने अपना हथकंडा अपनाया और राजकुमार संतोषी पर अंडरवर्ल्ड का प्रेशर बढ़ाया, जिसके बाद उन्हें फिल्म में रखना राजकुमार संतोषी के लिए जरूरी हो गया था। बाद में ममता ने संतोषी पर सेक्सुअल हरेसमेंट का भी आरोप लगाया था।
इस हादसे के बाद ममता पर अंडरवर्ल्ड का हाथ होने की बात साफ हो गई थी। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब ममता के करीबी खुद कहने लग गए थे कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में ममता और छोटा राजन शादी कर ले। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। विक्की से जुड़ा था नाम। ममता को अंडरवर्ल्ड की पावर का अंदाजा हो चुका था। ममता छोटा राजन से रिश्ता खत्म करके उसके खास आदमी विकी गोस्वामी से रिश्ता बना चुकी थी। विकी का दाऊद की ही तरह रोप था। एक वक्त था जब विकी और ममता कीनिया में साथ साथ रहते थे। कहते हैं कि विकी के एक इशारे पर बॉलीवुड के बड़े से बड़े स्टार रातों रात मुंबई से दुबई के लिए रवाना हो जाते थे। बाद में विकी के साथ ममता मिलकर ड्रग्स की तस्करी करने लग गई, लेकिन बाद में विकी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसे दुबई की जेल में ले जाया गया। विकी के बाद ममता को भी गिरफ्तार किया गया, हालांकि वो बाद में जेल से बाहर आ गई थी। लेकिन जेल में ही उन्होंने और विकी ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म अपना लिया और दोनों ने जेल में निकाह कर लिया। ममता ने निकाह करने के बाद अपना नाम आयशा बेगम रख लिया। हालांकि ममता हमेशा अपनी शादी की खबरों को महज अफवाह बताती रही। लेकिन ये तो हर कोई जानता है कि बिना चिंगारी के कहीं धुआं नहीं निकलता। ममता का कहना था कि उन्होंने विकी से शादी नहीं की। वो विकी से प्यार जरूर करती हैं, पर उनका पहला प्यार ईश्वर है। काफी अपने बोल्ड अंदाज से सुर्खियां बटोरने वाली ममता आज की तारीख में साध्वी बन चुकी हैं। बॉलीवुड के गलियारों को छोड़कर अध्यात्म की राह पकड़ चुकी हैं। साल 2013 में उन्होंने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ इन योगिनी को रिलीज किया, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के कई राज सामने किए। इसके बाद ममता पहले से कहीं ज्यादा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई। फर्क बस इतना था कि पहले ममता बोल्ड अंदाज के लिए टॉपलेस फोटो शूट की वजह से चर्चा में बनी थी, और इस बार सांसारिक चीजों से दूर साध्वी के रूप में वो चर्चा बटोर रही थी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो आपसे हमारी गुजारिश है कि जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही एक और छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आरआर सिनेप्लेक्स की कई और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए आप बाकी वीडियोस को चेकआउट जरूर कर सकते हैं, और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल आरआर सिनेप्लेक्स।